हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक। सो इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2021 का डेली पीआरबी एनालिसिस देखेंगे, जो हमारे यूपीएससी सीएसई ओके एंड स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्रीज के जो वर्क होते हैं उसको कवर करते हैं हम डेली बेसिस पे। सो आज के हमारे जो पहला पीआरबी वो किससे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जो इंपॉर्टेंट पीआरबी किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर से रिलेटेड है। ओके, सो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है जो हमारी स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। ओके, सो यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। सो ये जो इनॉग्रेशन हुआ है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर है ओके ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और स्पॉन्सर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सो यहाँ पर ये जो सिल्क सेक्टर है जो हमारा इंडिया का, सिल्क को जो बूस्ट करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ओके यहाँ पर इस चीज पर वर्क किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल सिल्क जो फेयर, जो एक मेला है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर हम इंडिया का जो परस्पेक्टिव देख लेते हैं सिल्क पे कैसा है। ओके, जो इंडिया के जो सिल्क की जो हिस्ट्री है वो हमारी लॉन्ग हिस्ट्री है, जो कि हिस्ट्री से चली आती जा रही है, इसकी बहुत बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। और जो इंडिया है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, याद रखिएगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। एंड इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस ऑल 4 वेराइटीज ऑफ सिल्क, जो पूरे जो 4 मेजर वेराइटीज है सिल्क की वो सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है। जो 4 मेजर वेराइटीज है वो कौन कौन सी है, मलबरी, जो सभी को पता होता है कि मलबरी एक सिल्क है, लेकिन उसके साथ साथ एरी, टैशर एंड मुगा, याद रखिएगा, जो 4 वेराइटीज है जो सिल्क की, जो हमने अभी डिस्कस किया, मलबरी, एरी, टैशर एंड मुगा, ये 4 वेराइटीज है जो इंडिया एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड में जो इसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो ये लार्ज वेराइटी है, ये किन किन प्रोडक्ट्स में काम आती है बनाने में, दैट यूजेस इन द गारमेंट्स, फैब्रिक्स, साड़ीज, कारपेट्स, सिल्क अपैरल, सब सिल्क अपैरल और मटेरियल्स, गिफ्ट आइटम्स के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और हमारे जो इंडिया है ओके, जो हमारा जो देश है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है, जो GI टैग है सिल्क में ओके, सो सिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ओके, सो उन जो सिल्क से जो बनी हुई चीज़ें उनमें से जो इंडिया है उनमें से 11 लोग को GI टैग दिया है, 11 जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये GI टैग मिला हुआ है। 11 GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जो सिल्क से बनी हुई, जो जैसे कि पोचमपली इका ओके, चंद्रपोल सिल्क, मैसूर सिल्क, तो इन सब चीज़ों को क्या मिला है, GI टैग मिला है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जैसे यहाँ पर पोचमपली इका है ठीक है, एक तरह का साड़ी है जो सिल्क से बनी होती है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये सिर्फ वहीं पर, ये वहाँ से बना हुआ है, तो उस तरीके से होता है, एक तरह का जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दी जाता है कि सो उस स्टेट से बनी हुई है ये। और उसके बाद क्या होता है, उस स्टेट में जब बनी होती है तो वहाँ पर वो टैग लगता है, और उसके साथ साथ वो वहाँ का जो सेक्टर है ओके वो बूस्ट होता है। जो हम GI टैग के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे आगे चल के, अभी आप इतना याद रखिए कि जो 11 GI टैग मिला हुआ है जो सिल्क से बने प्रोडक्ट्स को पूरे इंडिया पे, ठीक है। यहाँ पर और भी दिया हुआ है, जैसे कि मुगा सिल्क दिया हुआ है, सैरम सिल्क, अरनाई सिल्क, चंपा सिल्क, भागलपुर सिल्क, जैसे भागलपुर सिल्क की बात करें, जैसे भागलपुर कहाँ पर है, बिहार में है ठीक है, बनारस की साड़ियाँ ले लीजिए आप, इन सब चीज़ों को क्या मिला है, GI टैग मिला है। जैसे भागलपुर जो सिल्क हो गया तो कहाँ पर बनता है, अब ये मेनली भागलपुर में बनता है, तो भागलपुर सिल्क को GI टैग मिल गया, इससे क्या होगा, लोग जानेंगे ठीक है कि ये इस एरिया का, और वहाँ पर का जो बूस्ट होगी, वहाँ पर की जो इकोनॉमी है ठीक है, उस सेक्टर पे वहाँ पर भी बूस्ट होगी। अब यहाँ पर हम सिल्क के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है। सिल्क एक्चुअली में है क्या, सिल्क एक तरह का नेचुरल प्रोटीन फाइबर है ओके, जो एंड सम फॉर्म ऑफ विच कैन बी वूवन इनटू टेक्सटाइल ओके, उसको वूवन करके टेक्सटाइल में भी यूज किया जाता है। एंड जो द प्रोटीन फाइबर ऑफ सिल्क, जो इस मेनली कंपोज्ड मेनली ऑफ फाइब्रोइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट लार्वे टू फॉर्म कोकून्स ओके, आपको ये पता होगा कि इंसेक्ट से बनता है ठीक है, प्रोड्यूस बाय द सर्टेन इंटेक्स लार्वे, जो इंसेक्ट का जो लार्वे तो उससे बनता है टू फॉर्म अ कोकून्स। एंड जो बेस्ट नोन सिल्क है जो ऑब्टेन किया जाता है कोकून से ठीक है, द बेस्ट नोन सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द लार्वे इज ऑफ द मेलबर्न ओके, जो एक सिल्क फॉर्म है जिसका एक अगर हम साइंटिफिक नाम बोले तो बैम्बिक्स मोरी करके जो नाम यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर यूज किया, सबसे ज्यादा जो बेस्ट नोन सिल्क है वहां से ऑब्टेन किया जाता है। एंड इसका जो सेरीकल्चर कहा जाता है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क को क्या कहा जाता है कि सेरीकल्चर बोला जाता है, जो हमारे कंट्री में चलता है
सैरी कल्चर, सो सिल्क की जो रेयरिंग को कहते हैं सैरी कल्चर, एंड दिस सिमरिंग अपेरियंस ऑफ सिल्क, जो झिलमिल जो होता है, जो सिल्क होती है जो चमकती है, ठीक है, जो सिमरिंग करती है, जो झिलमिलाती है सिल्क, वो किस कारण झिलमिलाती है? ड्यू टू दी ट्राइंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सिल्क फाइबर, ड्यू टू दी ट्राइंगुलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सिल्क फाइबर, जो क्या करता है, विच अलाउ द सिल्क क्लोथ टू रिफ्रैक्ट, याद रखिएगा रिफ्रैक्ट नॉट रिफ्लेक्ट, ये कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट है, जो सिल्क क्लोथ होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है बाय द इनकमिंग लाइट एट अ डिफरेंट एंगल एंड थस प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कलर, ठीक है, एंड सिल्क ढेर सारे इंसेक्ट से प्रोड्यूस होता है, सिल्क इज प्रोड्यूस बाय द सेवरल इंसेक्ट्स, बट जनरली ओनली द सिल्क ऑफ मोथ कैटरपिलर्स हैज बीन यूज्ड फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैटरपिलर्स का यूज किया जाता है, ओके देन उसके बाद यहाँ पर सिल्क इज ऑल्सो मेनली प्रोड्यूस बाय द लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स अंडरगोइंग अ कंप्लीट मेट्रोफोसिस, ओके जो इंसेक्ट्स के जो लार्वे होते हैं उसको पहले ये लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ मेट्रोफोसिस का मतलब होता है चेंजिंग, मेट्रोफोसिस का मतलब होता है एक बाई स्टेप बाय स्टेप जो चेंजिंग होता है उसको कहते हैं मेट्रोफोसिस, एंड उसके बाद में सिल्क निकाला जाता है हम सब चीज़ों से, और अदर इंसेक्ट्स है जहाँ से सिल्क निकाला जाता है, ओके सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है बाय द वेब स्पिनर्स रेस्पी क्रिकेट्स प्रोड्यूस सिल्क थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ में वो जो लाइफ स्पेन करते हैं उसमें सिल्क प्रोड्यूस होता है, सिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो अक्योर इन द हाइमेनोपटेरा, ओके जैसे कि यहाँ पर जो एक तरह का स्पीसीज के टाइप बात की जा रही है यहाँ पर जो सिल्क ऑल जैसे प्रोड्यूस करते हैं जैसे बीज वैस्प एंट्स, ओके एंड सिल्वर फिश मे फिल्स थ्राइप लीफ ओपर्स बिटल्स लेस विंग्स फ्लाइज फिश मिथ्स, ओके तो इन सब चीजों से सिल्क प्रोड्यूस होता है, एंड एंथ्रोपैट्स ऑल्सो प्रोड्यूस द सिल्क, एंथ्रोपैट्स का मतलब क्या है, जैसे स्पाइडर्स हो गए सब एंथ्रोपैट्स, ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते हैं सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। हम अपने नॉर्थन इंडिया की बात करें, अगर हम आसाम साइड की बात करें, हमारे जो नॉर्थन इंडिया इन द नॉर्थन स्टेट आसाम, वहाँ पर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस, तीन डिफरेंट टाइप के सिल्क प्रोड्यूस किया जाते हैं जिनको आसाम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, सो मुगा एरी एंड द पैट सिल्क, ये तीन तरह के जो सिल्क होते हैं ये हमारे आसाम में इसको क्या कहते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो मुगा है जिसको वहाँ के लैंग्वेज में द गोल्डन सिल्क कहा जाता है, ओके याद रखिएगा, एंड द एरी, एरी वाज प्रोड्यूस बाय द सिल्क वॉर्म दैट आर नेटिव ओनली टू द आसाम, जो आसाम के जो नेटिव है जो वहाँ के सिल्क वॉर्म, ओके जो नेटिव है वहाँ के वही लोग एरी एरी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट्स वाई एरी आर प्रोड्यूस बाय द सिल्क वॉर्म दैट आर नेटिव ओनली टू आसाम, ओके और कहीं पर ये और नहीं पाए जाते और किसी स्टेट में, ठीक है, एंड दे हैव बीन रियर्ड सिंस एंशियंट टाइम सिमिलर टू द, और ये बहुत एंशियंट टाइम से प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। यहाँ पर सिल्क के बारे में याद रखिएगा, कोई एक बस ये याद रखिएगा कोई एक चीज़ नहीं है कि बस यही कैटरपिलर है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि इन ये लोग भी हैं जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ओके एंड उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की रैंक देखी हमने, यहाँ पर इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो फोर जो मेजर वैरायटी है, ठीक है, वही इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बोला था जीआई टैग देने वाली बात है कि सिल्क में जो 11 जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो मिले हुए हैं, सो जो जीआई टैग क्या होता है, एक तरह का इंसेग्निया होता है प्रोडक्ट का, जो क्या करता है एड्रेस करता है किसी भी चीज़ को एड्रेस करता है कि मान लीजिए एक नॉर्मल से एग्जांपल दे लेता हूँ, जैसे दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दे लेता हूँ, तो जो टी है वह कहाँ की है, दार्जिलिंग की है, ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो जो टी है वो दार्जिलिंग की है, तो वो इंडिकेट करेगा वहाँ पर कि ये जो टी है ये दार्जिलिंग की है, तो वहाँ का बूस्ट जो बूस्ट होगा वो जो टी होगा वो भी बूस्ट होगा, वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी उस स्टेट की, जिस तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है कि जहाँ से वो चीज़ ओरिजिन हुई है, जहाँ से वो इवोल्यूशन हुआ है, तो उस स्टेट पे जाके उसका क्या देते हैं, जीआई टैग देते हैं, और ये जीआई टैग इंडिया में कौन देता है, ओके हम इंडिया वर्ल्ड दोनों के रिस्पेक्टिव में बात करेंगे, पहले इंडिया में देख लेते हैं, इंडिया में जो जीआई टैग है वो गवर्न की जाती है बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और ये इशू का और ये इशू किसके द्वारा होता है, इट इज इशूड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई में है जो, ठीक है, तो इंडिया में गवर्न किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स मार्केटिंग एक्ट 1919 द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा गवर्न किया जाता है। अब वर्ल्ड में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड में ये लाया कैसे गया, ठीक है, सो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो एक इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, ओके इसको किसके अंडर रखा गया है, इसको अंडर रखा गया है कवर्ड अंडर दी इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर दी पेरिस कन्वेंशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इसको रखा गया है, जीआई टैग को याद रखिएगा, जीआई जो टैग है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर रखा है, अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसके अंडर रखा गया है। और इंटरनेशनल में बात करें तो जो जीआई है, जो जीआई टैग किसके द्वारा गवर्न होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जीआई टैग गवर्न होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसके द्वारा जीआई को गवर्न किया जाता है एज अ वर्ल्ड रिस्पेक्टिव। यहाँ पर वर्ल्ड रिस्पेक्टिव की हमने बात की, उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो गवर्न करता है, ठीक है। ट्रिप्स का मतलब क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सो उसके अंडर इसको जीआई टैग को गवर्न किया जाता है। और इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो एडमिशन किया जाता है एक एक्ट के द्वारा, जिस एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंडर इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और याद रखिए जो जीआई टैग है ये इफेक्ट कब आया, 2003 में, जो सितंबर है 2003 में ये जो एक्ट है ये क्या हो गया, फोर्स में आया, जो एक्ट है ये फोर्स में आया। और सबसे पहला जो जीआई टैग है वो किसको दिया गया 2004-05 में, जो दार्जिलिंग का जो टी है, दार्जिलिंग कहाँ पे है आपको रिपीट कर देता हूँ, वेस्ट बंगाल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है दार्जिलिंग कहाँ पे है, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। और वहां पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो जिसको जीआई टैग दिया गया वो किसको दिया गया, दार्जिलिंग टी को दिया गया। उसके साथ साथ बेनिफिट देख लेते हैं, इट्स प्रोवाइड ए लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। फिर इट प्रमोट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज, थस बूस्टिंग एक्सपोर्ट। ओके, सो ये था, हमने जीआई टैग के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पर हमने सिल्क के बारे में पढ़ लिया, देन इंडिया के रैंक देख ली यहाँ पर, और इंडिया जो फोर मेजर वैरायटीज को जो प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हमने देखा। तो ये थे अपनी पहली पीआरबी, इसका हमने सारा जो पर्सपेक्टिव होता है हमने कवर किया। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा पीआरबी है वो किससे रिलेटेड है, नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव बिगिंस अक्रॉस द कंट्री। सो 31 जनवरी हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोलियो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया गया हमारे पूरे इंडिया में। सो पोलियो एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद जो ओपीवी एंड आईपीवी दो तरीके से जो वैक्सीनेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है। सो पहले पोलियो क्या है, एक तरह का हाईली इन्फेक्टियस वायरल डिसीज है जो यंग चिल्ड्रन को, जो यंग बच्चे हो, जो यंग चिल्ड्रन है उनको ज्यादातर इफेक्ट करता है। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड मेनली थ्रू अ फेशियल और ओरल रूट एंड लेस फ्रिक्वेंटली बाय द कॉमन व्हीकल। कॉमन व्हीकल यहाँ पर क्या क्या है, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी और अ फूड और मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन। ओके, एंड ये जिस तरीके से बढ़ते जाता है बाद में, अगर हम खराब ड्रिंकिंग वाटर, खराब क्वालिटी का खाना खाते हैं तो, ठीक है, उसके कारण फिर ये हमारे इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता रहता है। मल्टीप्लाई होने के बाद इट कैन इन्वेड द नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज पैरालिसिस, ठीक है, ये यंग चिल्ड्रन को ज्यादा होता है। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया था, मिशन इंद्रधनुष, याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष जो है पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। एंड इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द वैक्सीन, ठीक है, यहाँ पर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पोलियो जो वैक्सीन है, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करती है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एंड प्रोड्यूसर है। ट्रांसमिशन हमने देखा कि ट्रांसमीटर किस तरीके से स्प्रेड होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, पर्सन टू पर्सन होता है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, कैसे पता चलता है कि इसको पोलियो हुआ है। ओके, पोलियो इंक्लूड अ फीवर, फैटिगिक, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टिफनेस, नेक पेन इन द लिम्ब्स। ओके, इन सब, ये सब जो कॉजेस हैं ये सब दिखाता है, इनिशियल सिम्टम्स है ये। अब जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, ठीक है, ये कब स्टार्ट किया गया था इसके बारे में देख लेते हैं। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया था 1995 में, इंडिया ने लॉन्च किया था 1995 में, जबकि जब वर्ल्ड ने सबसे पहले देखा, ग्लोबल इनिशिएटिव लिया 1988 में बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया 1988 में। बाद में इंडिया ने एक अलग लॉन्च किया पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1995, और जिसमें कवर क्या कर रहे हैं, जिसमें चिल्ड्रन की जो बच्चे के जो एज ग्रुप है 0-5 ईयर्स, वहां पर इन एज ग्रुपों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, इनको एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है, इसके अंडर कवरेज दिया जा रहा है, उनको पोलियो ड्रॉप्स दिया जा रहा है। जैसे बच्चे 0-5 साल के उनको पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है कि ताकि उनको पोलियो ना हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अब पोलियो है वो प्रॉपर उसका कोई क्योर नहीं आया है, ठीक है, कि कोई प्रॉपर जैसे क्योर आ गया हो। जैसे किसी किसी का, जैसे दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले किसी डिसीज का, ठीक है, मान लीजिए किसी और डिसीज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डायबिटीज ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका प्रॉपर क्योर है कि अरे इसका ये इंजेक्शन आता है, इसको आप लगवा लीजिए तो डिसीज खत्म हो जाएगा।
लेकिन जो पोलियो है उसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। इसको क्या करते हैं, इसको इम्यूनाइजेशन के द्वारा इसको रोका जाता है। इम्यूनाइजेशन मतलब जो पोलियो ड्रॉप है उनको बचपन में दिया जाता है, जिससे क्या हो कि जो इम्यूनिटी हो उनकी स्ट्रांग हो जाए और उनको रोका जाता है पोलियो को। कोई प्रॉपर अभी तक क्योर नहीं है, ठीक है, इसको बस रोका जाता है। याद रखिए, अगर सेंटेंस लिख के आता है देयर इज अ प्रॉपर क्योर ऑफ पोलियो, तो ऐसा नहीं है कि नो प्रॉपर क्योर ऑफ पोलियो, बट इट कैन ओनली बी प्रिवेंटेड बाय द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इंडिया के रिस्पेक्टिव में पोलियो का क्या कितना वर्क है, ठीक है, ये देखते हैं। तो WHO ने 2014 में क्या किया था, पोलियो को पोलियो इरेडिकेशन फ्री बता दिया, मतलब इंडिया को बताया कि इंडिया फ्री है पोलियो से, ठीक है। पहले इन्फेक्टेड था, बाद में जब देखा गया कि 2014 में 2012 में इंडिया को लिस्ट किया गया था कि हाँ इंडिया क्या है, पोलियो के कुछ जो लक्षण होते हैं वो दिख रहे हैं। बाद में क्या हुआ, 2012 के बाद 2014 में दो साल बाद पोलियो के इंडिया क्या कर दिया गया, पोलियो फ्री बताया गया बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में बताया कि इंडिया पोलियो फ्री है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अब इंडिया क्या क्या प्रिवेंशन ले रहा है कि पोलियो किसी भी बच्चे को ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स आपको दिया गया होगा बचपन में, ठीक है। सो देखिए, दो प्रकार के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं पोलियो में, ठीक है। पहला होता है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन और सेकेंड होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीनेशन। जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीनेशन है, जिसको टीका भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो हमारे राइट आर्म्स में दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर काम जो चल रहा है वो चलता रहता है हमारे जो इंडिया में, अगर ज्यादातर देखा जाए तो वो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन पे वर्क किया जाता है। घर घर जाके जो पोलियो दिया जाता है बच्चों को, तो वो दिया जाता है, तो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा इंडिया में वर्क करता है। जो IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, उसके पे भी वर्क करता है। जो सबसे पहले जो IPV जो लाया गया, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, वो US में लाया गया था, ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, ये US से चला आ रहा है। और ओरल पोलियो वैक्सीन ये इंडिया ने शुरुआत की थी, इसकी इंडिया ने ओरल पोलियो वैक्सीन स्टार्ट की थी, एंड US ने स्टार्ट किया था इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। उसके बाद अभी ये दो वैक्सीन है इंडिया के, जो इंडिया के अंदर, जो दोनों वर्क करते हैं पोलियो से इन्फेक्ट होने के लिए। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये इट इज गिवन ओरली एज अ बर्थ डोज फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है, और इसके तीन डोज दिए जाते हैं 6, 10 और 14 वीक्स में, ओके, एंड वन बूस्टर डोज एट 16 से 24 मंथ के बीच में, जो एज है उनमें दिया जाता है, ठीक है। एंड जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन तो देख लीजिए, जिसमें हर आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स रहते हैं वो भी घर घर आके बच्चों को देते हैं, ठीक है। एंड जो इनएक्टिवेटेबल पोलियो वैक्सीन है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ एडिशनल डोज, जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि एडिशनल डोज दिया जाए ओपीवी के बाद, ठीक है, एज अ एडिशनल डोज दिया गया, और इसमें तीन डोज दिए जाते हैं बच्चों को, एंड द थर्ड डोज ऑफ DPT, तीन डोज दिया जाता है DPT का। DPT मतलब टिटनेस, इसमें तीन चीजें रहती है, टिटनेस भी रहता है, डायफ्थेरिया भी रहता है, एंड पैरिशिस रहता है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो पोलियो के अंदर ही इन तीनों को दिया जाता है, ओके। तो तीन डोज दिए जाते हैं, और जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसको किसको थ्रू दिया जाता है, बाय द इंजेक्शन के थ्रू इसको दिया जाता है, इंजेक्शन की तरह ये तीन डोज लगाए जाते हैं इसके, एंड ये हमें प्रिवेंट करता है, इसमें तीन चीज का मिक्सअप रहता है, टेटनस रहता है, डायफ्थेरिया रहता है, पेरिशिस रहता है, ठीक है। तो दो तरह के डोजेज हैं यहाँ पर जो पोलियो के लिए वर्क किए जाते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ गिवन बाय द IMSC, मतलब कोई एक इंजेक्शन है जिसके द्वारा दिया जाता है, और OPV गिवन ओरली, ठीक है, और जो IPV क्या करता है, इंड्यूस अ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, नो लोकल इम्यूनिटी, और जो OPV है वो क्या करता है, बोथ ह्यूमरल एंड इंटेंसिटियल इम्यूनिटी दिखाता है, और जो OPV है वो प्रिवेंट पैरालिसिस एंड द इंटेंसिटियल री इन्फेक्शन, एंड IPV क्या करता है, प्रिवेंट पैरालिसिस एंड डज नॉट प्रिवेंट री इन्फेक्शन, ठीक है, बाय वाइल्ड पोलियो वायरसेस एंड नॉट यूजफुल इन एपिडेमिक। IPV एपिडेमिक जब होता है तो उस पर यूजफुल नहीं होता, लेकिन जो OPV है, इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द एपिडेमिक। जो OPV है वो क्या है, सस्ता है, OPV एक सस्ता है, तो इसके लिए भी हमारे इंडिया में OPV प्रोग्राम ज़्यादा चलाया जाता है, लेकिन जो IPV है वो क्या है, 10,000 टाइम्स मोर देन OPV कॉस्टलियर, जो 10,000 टाइम्स ज़्यादा महंगा है OPV से, इसलिए IPV को यहाँ पर इंडिया में कम बताया जाता है, कम वर्क किया जाता है, और OPV पे ज़्यादा वर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये था IPV OPV के बीच में डिफरेंस, पोलियो के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया।
देन उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड हमारा जो पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है जीएसटी से। जीएसटी से हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था कि जो जीएसटी जो कलेक्शन है हमारे देश की वो बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है, 1.20 लाख करोड़ रुपीज का कलेक्शन हुआ है हमारे जीएसटी पे, और ये पिछले साल से 8% ज्यादा है। जीएसटी की हम बात करें तो लास्ट 5 मंथ्स में, देखिए अगर पिछले साल के जनवरी की बात की जाए, जनवरी 2020 में, तो उससे 8% ज्यादा जीएसटी कवर किया गया है इस साल, 8% ज्यादा हाइयर है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर से ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ने जो वर्क किया है, ठीक है, जीएसटी पे, जीएसटी वन नेशन टैक्स पे जो कवर किया है, तो देखिए ये लॉन्ग टर्म बेसिस में इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट का कितना बढ़िया स्टेप था वो आज दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स में गवर्नमेंट ने इतना वर्क किया एग्रीकल्चर पे कि आज हमें उसका क्या दिख रहा है, उसका एक तरह का जो वर्क है वो दिख रहा है, 3.4% का ग्रोथ हुआ है, देखिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर में। इस तरीके से यहाँ पर जीएसटी भी एक ऐसा यहाँ पर वर्क किया गया है, और ये किस तरीके से जीएसटी इकोनॉमिक रिवाइवल का एक मेजर वेपन के नाम पे यहाँ वेपन काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8% के ज्यादा जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। अब यहाँ पर हम जीएसटी के बारे में देख लेते हैं, जीएसटी क्या है। जीएसटी एक तरह के, तो आप याद रखिए कि जीएसटी एक वन इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर होल इंडिया, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, स्टेटमेंट आ जाता है जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सो जीएसटी इज अ वन इनडायरेक्ट टैक्स, और लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो क्या है कि लेमैन मतलब क्या होता है, कॉमन पर्सन के वे में बात करें तो क्या है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे लगाया जाता है, लेवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जो ये लॉ है, ये बहुत सारे जो पहले ढेर सारे टैक्सेस लगते थे उन सबको हटा के सिर्फ एक टैक्स लाया गया, दैट इज जीएसटी। इसलिए इसको वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड जो जीएसटी जो बिल है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पहले देखिए जो जीएसटी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, ठीक है। 2014 में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तब इसको ना 122 अमेंडमेंट बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसको 122 सेकंड अमेंडमेंट बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जब ये 2016 में जब इसको अप्रूवल मिला, देखिए पहले बिल जब प्रेसिडेंट का असेंट होता है तो उसके बाद वो एक्ट बनता है, जब वो एक्ट होता है तब वो लागू होता है पूरे देश में, ठीक है। तो जैसे ही वो लागू होता है, तो जैसे ये 2016 में जब ये लागू किया गया तब इसको, इसके जो अमेंडमेंट है इसको रिप्लेस कर दिया गया, रीनंबर्ड कर दिया गया, और बताया गया कि ये 101 अमेंडमेंट एक्ट से लागू हुआ। तो याद रखिएगा जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट से लागू किया गया है, 101 अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को लागू किया गया है पूरे देश में। एंड इट्स अ सेंट्रल जीएसटी कवर एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स एटसेट्रा एंड स्टेट जीएसटी टू कवर वैट लग्जरी टैक्स टू। एंड जो स्टेट को आर्टिकल 246A एम्पावर करती है स्टेट्स को टू हैव अ पावर टू टैक्स ऑन गुड्स एंड दी सर्विसेज। अभी इसके साथ साथ जीएसटी के साथ साथ 2000 जब ये एक्ट बना तो उसके साथ साथ एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई, और उसमें आर्टिकल 279A जहां पर एम्पावर करता है जीएसटी काउंसिल को टू बी फाउंड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्ट्रेट द गवर्नमेंट जीएसटी। एंड इसका चेयरमैन कौन होगा, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल से बनाई गई, आर्टिकल नंबर 279A। एंड इसका जो चेयरमैन होगा जीएसटी काउंसिल का कौन होगा, इट्स चेयरमैन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया विद द मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट इट्स मेंबर, ओके। एंड जो डिसीजन है, ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा, द डिसीजन आर टेकन बाय द 3/4 मेजोरिटी। और ये और जो 3/4 मेजोरिटी यहाँ पर बात की जा रही है वो कैसे है देख लेते हैं। जो काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल है उसमें जो सेंटर है, जो सेंटर का जो वोटिंग पावर कितना है, 1/3 वोटिंग पावर, और स्टेट का 2/3, ठीक है। जब दोनों सेंटर स्टेट जब एक साथ जब बैठते हैं तो वहां पर जो डिसीजन देखा जाता है 3/4 मेजोरिटी का डिसीजन देखा जाता है, और वहां पर से उस डिसीजन पर फिर काम किया जाता है। तो ये था जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल का हमने डिस्कस किया। देन जीएसटी रेवेन्यू किस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर आज वर्क कर रही है। देन उसके बाद हमारा जो लास्ट पीआईबी है वो रिलेटेड है एसटीआईपी से। सो एसटीआईपी क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी जो लाई गई थी 2020 में। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पेटेंट एंड आईपी रूल्स फॉर ग्रास रूट इनोवेटर्स। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे इंडिजनाइजेशन लाने के लिए यहाँ पर एसटीआईपी वर्क कर रही है। एसटीआईपी के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं।
एक्चुअली मैं यहाँ पर एसटीआईपी क्या है, एसटीआईपी क्या है, एक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है जो 2020 में लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई ये डिस्कस कर लेते हैं। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिल के ये न्यू नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाई। ठीक है, इसके ये जो 2020 लाई गई, इसके पहले कौन सी पॉलिसी चल रही थी, इसके पहले 2013 में एक पॉलिसी चल रही थी एसटीआईपी की, लेकिन उसके बाद उसको 2020 में बाद में नई पॉलिसी लाई गई साइंस के लिए। और ये पॉलिसी क्यों लाई गई, फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, साइंस सेक्टर को और भी ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट पर ग्रोथ लाने के लिए, डिज़ाइन पे ग्रोथ लाने के लिए, साइंस टेक वर्क फोर्स इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है, और इंडिया को इन सब चीज़ों पे स्ट्रेंथन करने के लिए, साइंस एंड डेवलपमेंट पे वर्क करने के लिए ये पॉलिसी को लाई गई। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आप याद रखिएगा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये पॉलिसी है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इवॉल्व पॉलिसी स्ट्रेटजीज मिशन फॉर द जनरेशन ऑफ इनोवेशन सपोर्ट सिस्टम, ओके, टू जनरेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क इन अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक सोशल सेक्टर, ओके, इन सब चीज़ों को, टू फंक्शन एज द सेक्रेटरेट टू द साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी टू द कैबिनेट विद द पीएसए विद द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इसके जो आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर से। उसके साथ साथ व्हाई इंडिया नीड्स अ न्यू एसटीआई पॉलिसी नाउ, सो इंडिया यहाँ पर ये जो लाई है, जो फॉर्मुलेशन की है, ये क्यों की है, क्योंकि सिंस 2013 जो कि एक लास्ट पॉलिसी थी वहां पर ये कह दिया गया जो प्रोग्रेस ज्यादा नहीं देखा गया 2013 में जो पॉलिसी लाई गई थी, इसीलिए यहाँ पर उसको 2020 में पॉलिसी लाई गई। एंड जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस टाइम क्या हो गया था, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये दूसरा एक कारण है रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन साइंस सेक्टर लाने के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी लाई गई। तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री जी का जो हमारा विजन है आत्मनिर्भर भारत, वहाँ पर उस चीज को फोकस करने के लिए इंडियनाइजेशन इन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लाई गई। स्ट्रांगली कनेक्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इनोवेशन इंडस्ट्री एंड द सोशल सेक्टर, इन सब चीज़ों के लाने के लिए यहाँ पर एसटीआई पॉलिसी लाई गई। याद रखिएगा एसटीआई पॉलिसी किसने लेके आई, क्या वर्क था, ठीक है। उसके बाद हमने जीएसटी के बारे में यहाँ पर बात कर ली, देन जो पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके बारे में हमने बात की, जीआई टैग के बारे में बात किया, यहाँ पर सिल्क के बारे में बात किया। तो ये थी पूरी 1 फरवरी की हमारी पीआईबी एनालिसिस, और आपकी अगर इसको पीडीएफ चाहिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको डेली पीआईबी एनालिसिस की वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन वी विल अपलोड द नेक्स्ट पीआईबी। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग अवर चैनल।